सुष्मिता समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सबसे उत्तम कौन। अक्सर हम सभी के दिमागों में ये बात चलती है कि हम फलाना एंकर एक्टर ये ज़्यादा अच्छे हैं, ये सबसे अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से यहीं पर आप गलती करते हैं। सबसे अच्छा मैं स्वयं होता हूँ। कारण क्या होता है कि मैं अपनी क्षमताओं पे, कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास नहीं रखता। दूसरे नंबर की बात, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के समय में बदलने से डरता हूँ। जो भी मेरा समय मुझसे कह रहा होता है वो मैं नहीं करता। तीसरी बात ये है कि मैं ये समझ नहीं पाता कि आइसोलेशन यानी कि अलग अपने आप को रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक मैं अपने आप को अलग नहीं रखूँगा तो मैं अपने आप को कैसे समझूँगा। जी बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस, और ये सिर्फ आइसोलेशन से ही आता है। और जैसे ही आपको ये बात समझ आती है तो आप अपने को सबसे अच्छा बना पाते हैं, यानी कि बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि ये जो पज़ल गेम मेरे सामने दी जाती है ना लाइफ की चैलेंजेस के रूप में, या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स, तो वो मेरे को बेस्ट के लिए दी जाती है कि मैं सबसे अच्छा बनूँ उस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो मैं चूज़ कर चुका हूँ पहले से। तो इसलिए इस बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि काइंड होना पड़ेगा, थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। और साथ साथ एक बात मैं आपको यकीनन स्तर पे बता दूं, क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर देखा है कि जब आप धीरे धीरे बेस्ट वर्जन बनने की तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरे आपसे प्रेरित होते हैं और वो आप उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए आप सबसे अच्छा बनने के लिए ये सब बातें जो मैंने आज आपको बताई वो करनी ज़रूरी हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप अपना बेस्ट कर पाएंगे, बन पाएंगे और समाज को भी दे पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।